गुड इवनिंग, वेलकम एट द ऑनलाइन पोर्टल ऑफ विजय फिजिक्स। आईटी, जेई और नीट के प्यारे एस्पिरेंट, काइनेमेटिक्स हम लोग पढ़ रहे थे कि काइनेमेटिक्स का अंतिम लेक्चर चल रहा है, एक दो दिन में पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। इस समय शाम के 6 बजे हैं। आधे घंटे की पहले 30 मिनट की जो आपकी क्लास होती है उसमें हम लोग थोड़ा ही लेकिन मजबूत अच्छे कुछ टूल टेक्निक सीख के जाते हैं। लीजिए आज फिर से कुछ अच्छी बातें सीखते हैं जो सीधे लेक्चर हाल को एग्जाम हाल से कनेक्ट करें। यहाँ की पढ़ी हुई चीज़ें सीधे एग्जाम में दिखी, आपको फायदा मिले। आपको आज सीखते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर इक्वेशन ऑफ मोशन बिल्कुल वही रहेगा, बस थोड़ा थोड़ा स्लाइट चेंजिंग, थोड़ा सा बदलाव। ग्रेविटी में जब मोशन की स्टडी की जाएगी तो वहां पर जो एक्सेलरेशन ए लिखा जाता था ग्रेविटी के लिए जी लिखा जाएगा, कभी प्लस जी कभी माइनस जी। नीचे की तरफ आ रहा है तो जी सपोर्ट करेगा प्लस जी, बॉडी को आपने ऊपर थ्रो किया है तो जी की टेंडेंसी हमेशा डाउनवर्ड, हमेशा उदास रहता है, सर नीचे लटका रहता है, तो वहाँ पर माइनस जी लिखा जाएगा। ऐसे कुछ सेट करना है, कुछ रिप्लेसमेंट है वही देख लिया जा रहा है किसके प्लेस पर क्या लिखा जाएगा। पहला फॉर अपवर्ड जर्नी, बॉडी के ऊपर तरफ थ्रो किया जाए तो क्या यू इक्वल टू यू वेलोसिटी से थ्रो किया गया है, वेलोसिटी ये ग्राउंड है और पूरा खेल अंडर ग्रेविटी, जी हर जगह मौजूद है, डायरेक्शन नीचे की तरफ है। वैल्यू की बात किया जाए तो 9.8 या जल्दी से काम निपटाना है तो 10 आप रख सकते हैं, 10 रख कर काम चला लेंगे। तो इस सीन को देखिए आप, यहाँ पर कुछ रिप्लेसमेंट लिख दे रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट का रोल कौन अदा करता है, हाइट, और मेजरमेंट आप ग्राउंड से कर रहे हैं तो एक्सेलरेशन का रोल कौन अदा करेगा, माइनस जी, क्योंकि अपोज जर्नी हो रही है तो एक्सेलरेशन सपोर्ट नहीं कर रहा है, अपोज कर रहा है, तो माइनस जी। यस हो गया, ए हो गया, बस दो ही चीजें हैं और कोई खास रिप्लेसमेंट। इक्वेशन ऑफ मोशन ही लिख देना फटाफट, वी इक्वल टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, यू प्लस 80 होता था तो माइनस जी टी। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन एस इक्वल टू यस लिखते थे, याद यस लिखना है, यू टी और माइनस हाफ जी टी का स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s होता था तो लिख दिए प्लस 2 ए की वैल्यू माइनस जी, यहाँ कर दिया माइनस 2gs। ये तीन इक्वेशन हो गए। दूसरा पॉइंट, डाउनवर्ड जर्नी में क्या होगा, नीचे उधर आ रही बॉल तो क्या लिख सकते हैं आप कैसे। सेकंड फॉर डाउनवर्ड जर्नी, डाउनवर्ड जर्नी के लिए बॉल नीचे आ रही है इनिशियली विद वेलोसिटी में, यहाँ कहीं ग्राउंड है, जी भी नीचे की तरफ काम करेगा, जी देखिए जी की टेंडेंसी वही है ऑलवेज डाउनवर्ड, वो तो बाल खुद ही उस डायरेक्शन चल करके सपोर्ट ले ले रहा है, बाल अपोजिट डायरेक्शन चल के अपोज करवा ले रहा है तो बाल मोशन के ऊपर है, जी का कोई दोष नहीं, जी एकदम फिक्स है, डायरेक्शन ऑलवेज डाउनवर्ड।
चलिए तो यहां पर क्या रिप्लेसमेंट करना है, एक प्लेस पर प्लस में जी लिखना है और एस के प्लेस पर एच लिखना है। इक्वेशन ऑफ मोशन के नए रूप क्या हो जाएंगे, वी इक्वल टू यू प्लस जी। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड यस लिखते थे आज एस लिख दीजिए, यू टी प्लस हाफ जी टी का स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर प्लस टू ए एस लिखते थे, जी एच लिखेंगे भाई, यहां भी एच लिखना पड़ेगा, माइनस टू जी एस जो लिखें, एस प्लेस पर ई एच बोला गया है एच। तो फिलहाल ये इक्वेशन रटना नहीं है, रटना एकदम मना है, आपको जो इक्वेशन आपने स्टैंडर्ड इक्वेशन पढ़ा है बस वही मन बैठाना है, बस मौका पड़े जरूरत पड़ने पर आप रिप्लेसमेंट कर दीजिए, नए नए इक्वेशन मत रटिए, बस जरूरत कीजिए समझे रही कि किसका रोल क्या निभाएगा वही फीड कर देना क्वेश्चन तोड़ते समय। फिलहाल हमने लिख लिया है रेस कर देना पूरा, एक छोटा सा क्वेश्चन, a ball is freely falling under gravity. Within two seconds, full stop. Calculate height of tau. ब्रैकेट का दिया जाता है, अगर जी की याद आए तो ले लीजिए, काम निपटाइए अपना, टेन लेने के थोड़ा आसान रहेगा, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आज कुछ हल्का हल्का हो जाए, फिर भी धीरे धीरे लेवल को अप करते हैं, यही लास्ट स्टेज है, इसके बाद पूरी काइनेमेटिक्स फिनिश हो जाएगी। तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगा, नीचे गिर रहा है और क्या क्या मैटर प्रोवाइडेड है उसको जरा नोट किया जाए। इनिशियली रेस्ट में है, फ्रीली फाली मतलब यू इक्वल टू जीरो, और एक करोड़ क्या कर रहा है जी प्लस जी, जी वो कितना होता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक वैल्यू रख लिया हमने, और टाइम आपके लिए मात्र 2 सेकंड का है, आपको एच बताना है। सिंस फार्मूला वर्जन लगाइए, कोई रटने की बिल्कुल प्रयास मत करिए, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, दिखाइए ब्रांडेड, और यू कितना है जीरो रेस्ट में, और एस का रोल एच करेगा, तो हाफ
ए करोल जी यानी 10, टी करोल 2 करा 2 का स्क्वायर, ये देखिए 4 हो गया, 4 बाई 2 मतलब 5 हुआ, तो ये इक्वल टू हो गया 5 और इंटू 10 यानी 50 मीटर है, 50 मीटर नहीं 50 नहीं, ये 4 हुआ, 4 का हाफ करेंगे 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा 20 मीटर। यस एकदम हल्का फुल्का क्वेश्चन था, बिल्कुल हल्का वाला सवाल। एक क्वेश्चन और हो जाए, डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकंड वाले पैटर्न पर, nth सेकंड में कितनी डिस्टेंस चलता था, s इक्वल टू u प्लस a बाई 2 इंटू 2n माइनस 1, nth सेकंड nवे सेकंड के लिए वही जो फोर्थ इक्वेशन लिखवाया गया था उसका यूज करना है, वहां भी एक रोल जी कर जाए नीचे आ रहा है तो प्लस, ऊपर जा रहा है तो एक रोल माइनस जी करे, बाकी एस रोल यच हमेशा करता है। लीजिए क्वेश्चन, इफ डिस्टेंस ट्रेवल इन nth second be just 9 by 25 times of distance traveled in n second, देखिए दोनों फर्क, यहाँ एन के ऊपर टी एच लगा है एनवा सेकेंड, और यहाँ एन को नॉर्मली पूरा पूरा एन का इस्तेमाल हो रहा है एन सेकेंड, पूरा पूरा एन का इस्तेमाल हो गया एन सेकेंड में कामा लगा लीजिए। देन एन विल बी, एन की वैल्यू क्या होगी, 2 होगा, होगा 4 होगा 5 होगा, n क्या है, कौन सा इंटीजर है उसे पकड़ना है। सोल्यूशन देखिए, देखिए क्या गिवन है, एस एन इक्वल टू 9/25 ऑफ कंप्लीट ईयर्स, एन सेकंड में जो ट्रेवल डिस्टेंस है वो टोटल ईयर सेकंड में ट्रेवल डिस्टेंस का 9/25 टाइम्स है, 9/25 गुना, याद रखिए एनथ वाला कम होता है टोटल ईयर से, जैसे कोई कहे कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 7 सेकंड ये ज्यादा होगा, किससे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 7th सेकंड, 7वें सेकंड में तय की गई दूरी वो कम होगी, किससे, 7 सेकंड, जो पूरा में मोहलत मिल रहा है पूरा जो इंटरवल 7 सेकंड में तय की गई दूरी से, जब वहां लग जाएगा तो जब नाक से आवाज निकलेगी वहां तो वैल्यू कम होगा हमेशा, तो ऐसे दिया है 9/25 का टोटल यस। एस एन क्या होता है, यू प्लस ए बाई 2 टू 2n माइनस 1 और 9/25, ये होता है आपके यू टी प्लस, अच्छा यस ई एन लिख दीजिए ना यहाँ, यू एन प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता था ए टाइम को एन से रिप्रेजेंट किया गया, क्वेश्चन कह दिया गया और इनिशियली फर्स्ट में इनिशियल डाटा अगर दिया है तो उसको रेस्ट मार लेंगे थोड़ा जल्दी होगा, तो ये आ जाएगा आपके लिए जी बाई 2 और इंटू 2n माइनस 1 राइट हैंड में 9/25, यहाँ पर क्या, यहाँ पर जी बाई 2 इंटू एन का
जी बाई टू का कैंसिलेशन हुआ, इधर 25 मल्टीप्लाई करिए 50 हो गया, 50 है ना, 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में 9 इधर मल्टीप्लाई है, ये हो गया, एक तरफ उठा लाइए सबको एक तरफ, 9 एन स्क्वायर उधर जाएगा तो माइनस 50 एन, इस तरफ पहुँचेगा तो प्लस, साइन बदल जाता है, ट्रांसफर करने में सबका साइन चेंज हो जाएगा, इक्वल टू 0। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, बीच वाले के दो पार्ट में तोड़िए, जिससे किनारे किनारे की मल्टीप्लीकेशन इक्वल हो जाए। तो यहाँ पर क्या टेक्निक अप्लाई करेंगे, पहले नाइन और 25 मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, तो 9 के 3 टू 3 25 का 5 इंटू 5, तो 50 लाना है, तो देखिए इसका इसका कर दें तो ऐड करेंगे 25 और 9 50 नहीं होगा, और अच्छा 15 और किनारे किनारे 15 किनारे 30 होगा, कोई बात इतना 3 ले लीजिए 3, और इतने ये सब लीजिए 9 और 5 जब 45 और 5 50 हो जाए, सही है 45 और 5 लेना। तरीका आसान सा है, किनारे किनारे वाले फैक्टराइज कर लीजिए और उसमें से केवल दो पार्ट आप सेलेक्ट करिए, दो पेयर, जैसे कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर नीचे वाला टर्म आ जाए, तो 9 इन स्क्वायर हो गया, तो ये 9 इन स्क्वायर माइनस 45 एन माइनस 5, अब माइनस 45 माइनस 5 दोनों ऐड हो जाएंगे, माइनस 50 है वही, मैंने आपको नया लुक क्या दिखेगा, किनारे किनारे जो टर्मिनल वाले टर्म है वो अनचेंज रहते हैं, उनका रूप बिल्कुल वही रहता है जैसे पहले था, बस बीच वाले को दो पार्ट क्रैक करते हैं जिससे नेट इफेक्ट आज भी वही रहे और उससे फायदा होता है, कॉमन भी हो जाता है, जैसे इसको देखिए, इसको देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्या कॉमन है, एक एन कॉमन है और 9 पूरा कॉमन, 9 एन कॉमन हो जाएगा, यहाँ एन बचेगा 9 5 या 45, यहाँ पर माइनस 5 कॉमन ले लीजिए तो ये भी आ जाएगा यहाँ माइनस 5 इक्वल टू 0, होल फोर में से एन माइनस 5 कॉमन दिख रहा है या फिर 9 एन माइनस 5, यहाँ से एन की वैल्यू इस ब्रैकेट को 0 करें 5 आ जाएगी और इस ब्रैकेट को 0 करें तो 5/9 हो जाएगा। इसमें से कौन सा पार्ट एक्सेप्टेबल है, कौन सा एडमिसिबल है, जो इंटीजियर पार्ट होगा, या नौवा पाँचवा छठवां दसवां इंटीजियर होना चाहिए, टेक इन ओनली इंटीग्रल पार्ट, और वो भी कौन से इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर एन इक्वल टू 5, ये पॉजिटिव तो है लेकिन इंटीजर नहीं, इसलिए छूट गया। पॉजिटिव इंटीजर होगा तब भी एक्सेप्ट किया जाएगा, नेगेटिव पर ऊपर कोई विचार नहीं करना है, फ्रैक्शन भिन्न रहेगा डिवीजन में तो उस पर भी जरा परेशान नहीं होना है, यानी 5 सेकंड की बात है, 5 यानी कि वैल्यू 5 आ गई, ये आपका कंप्लीट जवाब है। लीजिए फिर कई रेस्ट कर दिए हैं, अब एक दो छोटे सवाल और हैं, लीजिए कार्ड की पढ़ लेते हैं, इनक्लाइंड प्लेन के लॉन्ग मोशन हो तो कैसे इसको डिस्कस किया जाए, मोशन एलॉन्ग इनक्लाइंड प्लेन, मोशन एलॉन्ग इंक्लाइंड प्लेन, देखिए ये एंगल थीटा बन रहा है और इंक्लाइंड प्लेन की हाइट एच, इस पर किसी बाल को, किसी छोटे से ब्लॉक को
रख दिया गया है, और इनिशियल वेलोसिटी u, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑलवेज डाउनवर्ड, ठीक ठीक नीचे तरफ हमेशा काम करता है। अब आपको स्टाफ से बाटर तक पहुंचने का समय t है, तो ढेर सारी चीजें आपको डिस्कस करना है। लीजिए, एक्सेलरेशन क्या होता है, इंक्लाइंड प्लेन के लांग जी साइन लगता है, हियर एक्सेलरेशन शुड बी रिप्लेस्ड, ए शुड बी रिप्लेस्ड बाय जी साइन थीटा, बस। और टोटल टाइम अगर टी है, टोटल टाइम टी, तो ढेर सारी चीजें आप बताइए। पहला इक्वेशन लिखना हो जिसे आप निकालना क्या चाहते हैं, टाइम निकालना चाहते हैं, उसके लिए भी उपाय। आप बॉटम तक पहुंचते पहुंचते वेलोसिटी भी निकालना चाहते हैं तो उसको भी आप निकाल सकते हैं, फर्स्ट इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन की मदद से। चलिए, फर्स्ट इक्वेशन आप मोशन लगाया जाए, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, और नीचे तरफ एक सेलेशन रहेगा, ए करोल जी साइन, जी साइन थीटा इंटू टी। सेकेंड इक्वेशन आप मोशन, इसमें यस ही लिखिए, हाइट यस टर्म पर लिखता है जब वर्टिकल एकदम, यू टी प्लस हाफ ए, ए एफ ई जी साइन थीटा, हाफ ए और इंटू टी का स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर हो गया। थर्ड इक्वेशन आप मोशन, वी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस टू ए, ए के रोड जी साइन और एस करोड़ ऐसे करेगा। वैसे यस कितना होगा यहाँ पे देख लेंगे, ये डिस्टेंस हाइपोटेन्यूस कितना होगा, आल्सो साइन अगर लेना हो, साइन नहीं, हाँ चलिए साइन ठीक है, एच बाई एस। अब आप परेशान होंगे तो इसलिए हम आपको सुझा के लिए यस लिख दे रहे हैं, हाइपोटेन्यूस को यस बोल दे रहे हैं, यहाँ से एस हो जाएगा एच बाई साइन, ये और अच्छे से साइन को ऊपर ले जाना चाहिए, एच कोस थीटा। एक क्वेश्चन आप मोशन तीनों लिख दिया, हम आपको कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं समझा रहे हैं, प्रॉब्लम कैसे डील करना है, नए सिचुएशन पर आप बनेंगे तो वो तरीका हम सिखा रहे थे। एक्सेलेरेशन कंट्रोल जी साइन करेगा बस, बाकी सारी चीजें पुरानी जैसे। अब चलिए एक दो चीजें और देखा जाए, ये लीजिए प्रॉब्लम की चीजें, दो बाल छोड़ी जा रही है फ्रीली, बाल नंबर वन है, बाल नंबर टू, दोनों रेस्ट से थे, छोड़े जा रहे हैं इनिशियली एट रेस्ट, पहले आराम ही कर रहे थे, बाल नंबर वन है ये बाल नंबर टू, तो दोनों के बॉटम तक पहुंचने का टाइम पहले वाले का टी वन, दूसरे वाले का टी टू, टी वन और टी टू में रिलेशन फाइंड आउट करना है। रिकॉर्डिंग एज फिगर, इफ वेलोसिटी ऑफ बाल वन एंड टू एट reaching the ground तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, पहला कोई भेदभाव नहीं, दोनों एक साथ पहुंचेंगे,
T1 इक्वल्स टू T2, सेकंड में T1 ग्रेटर होगा। कैसे ये कह सकते हैं आप? ज़्यादा लंबा तो ये लग रहा है पोटेनस, तो कहीं इस पर ज़्यादा टाइम लगेगा, यानी T1 की वैल्यू कम होगी, T2 ग्रेटर होगा, T2 ग्रेटर देन T1, ऐसे लिख दिया। कोई नया वाला ऑप्शन तीनों के अलावा आ रहा है तो नाम दीज पर क्लिक करिए, इनमें से कोई नहीं लीजिए। कभी कभार टाइम पूछ लिया जाता, कभी कभार वेलास्टी, तो वेलास्टी वाला आंसर जानते रहिए, पहुंचते समय वेलास्टी दोनों के सेम होगी, लेकिन पहुंचने का जो टाइम है वो डिफरेंट होगा। ये हाइपोटेनस वाला टाइम ज्यादा होता है, सीधी सीधी बात है, इसको मन बैठा रही, बाकी लगा के दिखाई दे रहे हैं, आप खुद ही सपोर्ट करेंगे। वेलोसिटी सेम होगी, चाहे डायरेक्ट आप गिराइए चाहे इंक्लाइंड की, और फिसल के आने दीजिए। ग्राउंड पहुंचते पहुंचते दोनों सेम वेलोसिटी एक्वायर करते हैं। जल्दी कौन पहुंचता है? जो डायरेक्ट गिराया जाता है, और जो स्लाइड कराया जाएगा उसमें ड्यूअल इफेक्ट काम करेगा। एक तो एक्सेलरेशन कम हो जाएगा, जी साइन काम करेगा, और दूसरे डिस्टेंस ज़्यादा ट्रेवल करना है, इन दोनों कंबाइन फैक्टर की वजह से टाइम वैल्यू बढ़ जाती है। चलो देखिए, हार बाल नंबर 1, एफ इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी का स्क्वायर, सेकेंड इक्वेशन आपने, और यू जीरो है आपके लिए, एस वैल्यू एच, हाफ ए करोल सीधे सीधे जी करेगा, टी करोल टी वन करेगा। यहां से निकाल लीजिए, T1 के स्क्वायर हो जाएगा 2h बाई जी, T1 रूट ऑफ 2h बाई जी। दिस इज द क्वेश्चन नंबर। दूसरे बाल के लिए जरा देखिए, बाल नंबर 2 की इक्वेशन ऑफ मोशन वही लगाइए, सेकंड वाला है। देखिए भाई, नया वाला हम लोग ग्रेविटी वाला इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं याद कर रहे हैं, रट्टू टाइप के नहीं है, जो स्टैंडर्ड आपने इक्वेशन ऑफ मोशन सीखा है उसी बार बार लिख रहे हैं, और जरूरत पर मौके मौके पर उन सब चीज़ों को रिप्लेस कर दे रहे हैं। एस इक्वल टू क्यू टी प्लस 10-20 चीज़ें नहीं याद की जाती, याद किया जाता है जो एकदम क्योर आल हो, रामबाण औषधि हो, उसको हर हल्की फुल्की चीज़ को दिमाग में नहीं रखना है। चलिए, ये इक्वल टू जीरो, और यस करो, यस करो हाइपोटेनस वाला आप देखे थे, एच कोशिक आया था, एच कोशिक ठीक है, ये तो यस हो गया, और इधर हाफ ए करोल जी साइन होता है, जी साइन ठीक है, और इंटू टी करोल टी टू है, सेकेंड वाला टी टू के स्क्वायर, ऐसे लिख दिया। आ जाएगा आपके लिए 32, T2 स्क्वायर निकालना चाह रहे हैं, T2 स्क्वायर हो जाएगा 2 से मल्टीप्लीकेशन होगा, जी साइज से डिवीजन, 2H बाई जी, ऊपर कोसेक ठीक है, नीचे ये साइन इंटू कोसेक 1 होता है, इसको 1 लिखने के चक्कर मत रहिएगा। T2 की वैल्यू हो जाएगी, अच्छा ये देखिए, कोसेक को नीचे ले तो साइन स्क्वायर बन जाएगा, अंडर रूट 2h बाई जी, और नीचे ही लिख दें साइन स्क्वायर, या इस साइन को ऊपर अगर आप ले जाते हैं तो कोसेक स्क्वायर हो जाएगा, जैसे ही आपको सुविधा लगे। T2 इक्वल टू बस कुछ नहीं, केवल साइन स्क्वायर ही बाहर आ पाएगा, 1 बाई साइन थीटा और रूट ऑफ 2h बाई जी।
ध्यान दीजिए, यहां से अंडर रूट टू एच बाई जी को टी वन आप बोल सकते हैं, यहां टी वन रख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन वन वी गेट। ऑप्शन अपना देख रहे भाई, पहले में इक्वल है, दूसरे में टी वन ग्रेटर, तीसरे में टी टू ग्रेटर, चौथे में ना नाम दीजिए वी है, तो टी टू आ जाएगा वन बाई साइन थीटा इनटू और यहां से साइन इधर ले लीजिए, टी टू इधर, टी वन बाई टी टू हो जाएगा साइन थीटा। साइन की वैल्यू क्या होती है, देखिए साइन की वैल्यू थीटा में तो भाई साइन की वैल्यू मैक्सिमम होती है, वो भी 90 के लिए, जो फिगर पेश किया गया था तो थीटा 90 से कम था, 90 से कम के लिए वैल्यू भी वन से कम होगी, ये वैल्यू वन से कम होगी, सिंस थीटा की वैल्यू 90 से कम है, दिस इंप्लाइज साइन थीटा, साइन थीटा 90 से, साइन 90 वाले से कम यानी वन से कम होगा, साइन थीटा की वैल्यू वन से कम होगी, सो साइन थीटा का मतलब टी वन बाई टी टू, टी वन बाई टी टू लेस देन यूनिटी, तो टी वन इज लेस देन, ऐसा कोई ऑप्शन मिला होगा जरूर आपको, भले नहीं याद हो, इस सी वाला ऑप्शन सी इज करेक्ट। लीजिए आज की क्लास यही समाप्त होती है, समय पूरा हुआ, लेक्चर का आनंद लीजिए, खाइए पीजिए, स्वस्थ रहिए, दिन आपका अच्छा बीते, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।